हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का झटपट बनने वाला चटपटा नाश्ता। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम टाइम टेकिंग है और ये बच्चों का फेवरेट है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सूजी का टेस्टी और जल्दी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे पैन। पैन के अंदर डालूंगी मैं दोस्तों पानी। पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके अंदर मैं डालूंगी नमक। मैं यहाँ पे आधी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी यहाँ पे एक चम्मच घी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा, नमक और घी दोनों ही उसके अंदर अच्छे से घुल जाएंगे। देखिए यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है, घी बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गया है। और पानी यहाँ पे गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर यहाँ पे एक कप सूजी ऐड कर रही हूँ। ये आपको दिख रहा होगा नॉर्मल चाय का कप है, इसको मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ऐड करने से पहले दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक हाथ से आप इसको चलाते रहें और एक हाथ से आप सूजी को ऐड करते रहें। इससे क्या होगा, सूजी के अंदर गांठें नहीं पड़ेंगी और आपकी सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से मिक्स करा है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। और जो आपकी सूजी है वो कुछ इस तरीके की डो की तैयार होने लगेगी। पानी आपको उतना ही रखना है कि जो आपकी सूजी है वो डो की तरह हो जाए। ऐसा ना हो कि आप पानी ज़्यादा कर दो और सूजी एकदम हलवे की तरह पतली पतली हो जाए। तो पानी आपको अपने जिस हिसाब से आप सूजी रखोगे उस हिसाब से ही लेना है। यहाँ पे देखिए मेरी सूजी एकदम आटे की तरह एक फोल्ड होने लगी है। यहाँ पे मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑफ और हम इसे ठंडा कर लेंगे। अपनी सूजी को अच्छे पूरे तरीके से आपको इसे ठंडा कर लेना है। यहाँ पे ये पूरे तरीके से हमारी सूजी ठंडी हो चुकी है, ये देखिए। और आपको कुछ इस तरीके से इसे मसल मसल के अच्छे से इसको नीट कर लेना है एक बार। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मसलने के बाद एक ये डो तैयार हो जाएगा। मैंने इसको तैयार कर लिया है। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने हाथ पे ऑयल लगाऊंगी, अच्छे से दोनों हाथ को ग्रीस करेंगे ताकि जो सूजी का डो है वो हमारे हाथों पे बिल्कुल भी चिपके ना। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। उसके बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार करेंगे हम। जैसे भी आप शेप देना चाहो वैसे दे सकते हो। मैं कुछ इस तरीके की शेप दूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने सारी शेप्स तैयार कर ली हैं, कुछ इस तरीके की छोटी छोटी तैयार करनी है क्योंकि इसके बाद हम इनको स्टीम देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी शेप तैयार कर ली हैं। उसके बाद मैंने ली है एक जाली वाली प्लेट और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूंगी ताकि ये इसके ऊपर चिपके ना। और इसके बाद एक एक करके हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इनको प्लेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से प्लेस कर दिया है। उसके बाद मैंने गैस पे लिया है एक बड़ा भगोना और उसके अंदर डाला मैंने थोड़ा सा पानी क्योंकि हम इनको स्टीम देंगे। तो ये मैंने जाली वाली प्लेट इसके ऊपर सेट करी है। उसके बाद मैं इसको दूसरी प्लेट से कवर कर दूंगी। फ्लेम आपको मीडियम रखनी है ताकि जो पानी की भाप है वो अच्छे से बने। और मैं इनको कम से कम ऐसे ही रहने दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। और अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए इन्होंने साइज गेन कर लिया है और पूरे तरीके से भाप में पक चुके हैं। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लूंगी। इनको यहाँ पे मैंने अलग प्लेट में निकाल के ठंडा कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है पैन। पैन के अंदर मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दोस्तों राई। तो मैंने यहाँ पे ली है ये राई और इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हम यहाँ पे अच्छे से चटका लेंगे। यहाँ पे राई चटकने लगी है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज या तो उसको फाइनली चॉप किया है और 2 ली थी मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली। इनको मैं इनके साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। प्याज
प्याज यहाँ पे हमारी भून रही है, उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच रेड चिली पाउडर। आप अपनी जो ये मैंने बनाई है इस सूजी बॉल की क्वांटिटी के हिसाब से आप मसाले एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाला है आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्ची, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच धनिया पाउडर और नमक। आप अपने दोस्तों टेस्ट के अकॉर्डिंग करें, मैं यहाँ पे आधी ही चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है और अब मैं इनको डालूंगी सूजी बॉल्स को। इसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। दो मिनट हमने इसको टॉस कर लिया है और ये मेरी सूजी बॉल्स एकदम तैयार है और अब हम इन्हें करेंगे सर्व। और ये देखिए दोस्तों, मेरा सूजी नाश्ता एकदम तैयार है। देखा ये कितना इजीली बन जाता है, और मैंने इसे धनिया पत्ता और हरी चटनी के साथ सर्व करा है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि सूजी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। जो बच्चे पतले होते हैं, जिनका वेट गेन नहीं होता, उनको ये आप दें, वेट गेन बहुत जल्दी होगा। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी रेसिपी है और देखिए बहुत ही कम टाइम टेकिंग है और बहुत चटपटी बन जाती है। देखिए कितनी स्पॉन्जी है।